केंद्र सरकार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी हल्ला बोल कर रही हैं। कड़ाके की ठंड में रात भर ममता सड़क पर मौजूद रही, अभी भी वहां मौजूद हैं। आज उनकी कैबिनेट की बैठक भी इसी धरने में होगी। पहले आपको दिखाते हैं मोदी के खिलाफ ममता का ऐलानी जंग। बंगाल की सैर भी जाग गई, नरेंद्र मोदी हो गया। मोदी जी का दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो बीजेपी सरकार और नहीं दौड़ता, और नहीं दौड़ता। मौत करो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसे ही इस प्रचंड सर्दी में रात भर धरने पर जमी रही। रात करीब 1:15 बजे थोड़ी देर के लिए उठी और शॉल ओढ़कर मंच पर बैठ गईं। एक बिस्तर भी मंच पर लगा दिया गया। और हम सॉरी टू से दोभाल, मिस्टर दोभाल जिन्हें एनएसएस चार्ज किया चल, तुम्ही होचेन सीबीआई प्रकार पीएम नरेंद्र मोदी जा बोल दीचेन छेड़ा के इंप्लीमेंट कोचे मिस्टर दोभाल, इटा करेक्ट नो उन्हें बोलूं। हमरा सब कुछ खबर रखी जानी এবং দোভাল ইজ গিভিং ইনস্ট্রাকশন টু সিবিআই, এই করো ওই করো সেই করো। মমতা বনার্জি নে মোদি সরকার কে খিলাফ এলানে জং কর দিয়া হে। কর বোল লড়বো জিতবো রে কা নারা দেনে ওয়ালি মমতা নে প্রধানমন্ত্রী মোদি অর বিজেপি অধ্যক্ষ অমিত শাহ পর এক কে বাদ এক কই গম্ভীর আরোপ জড় দিয়ে। ইট ইজ এ ফোর্সফুল ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দা সেন্টার অর নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহ, নো সার্চ ওয়ারেন্ট, নাথিং নাথিং, দে ক্যান নট ডিস্ট্রয় দা ইনস্টিটিউশন। If the head of the department, if the head of the organization force is being humiliated, how the force will work? ममता बनर्जी का आरोप है कि 19 जनवरी को कोलकाता में उनकी महारैली से बीजेपी बौखलाई हुई है, राजनीतिक बदले के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। छेड़ा के इंप्लीमेंट को छे मिस्टर दोभाल, इटा करेक्ट नो उन्हें बोलूं। हमरा सब कुछ खबर रखी जानी एवं दोभाल इज गिविंग इंस्ट्रक्शन। उन्नीस जनवरी को कोलकाता में ममता की महारैली में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के 20 नेता शामिल हुए थे। विपक्ष की इस मेगा रैली पर पीएम मोदी ने भी कटाक्ष किया था। दरअसल पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी के बिग बॉस अमित शाह बंगाल की सियासी जमीन पर कमल खिलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी के इरादों का अंदाजा ममता को है, ऐसे में बंगाल की जमीन पर बीजेपी और टीएमसी में टकराव बढ़ गया है। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। ममता सरकार कभी बीजेपी की रथ यात्रा की राह में खड़ी हो गई। पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं मिली, फिर रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। ऐसे में योगी को फोन पर ही रैली को संबोधित करना पड़ा। बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव का ज्वालामुखी भीतर ही भीतर धधक रहा था। इस बीच जैसे ही सीबीआई टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची, ऐसे में ममता बनर्जी को मोदी सरकार पर प्रचंड प्रहार का मौका मिल गया। धरने पर बैठी ममता को बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने फोन घुमाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव हो या शरद पवार, सबने ममता बनर्जी से बात की। अब बीजेपी विरोधी पार्टियों की नजर एक बार फिर कोलकाता पर टिक गई है, जहां मुख्यमंत्री ममता धरने पर जमी हुई हैं। कोलकाता से मनोज लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल शाम से लेकर रात भर क्या हुआ, आज सुबह की स्थिति क्या है, ये हमने इस रिपोर्ट में आपको दिखाया। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता मौजूद हैं, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और फौरन बीजेपी कांग्रेस से भी नेता जुड़ेंगे। मनोज्ञा कोलकाता में लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आलोक जी, कहां आप इस टकराव को जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये अब अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट ही इस बारे में कह सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का कुछ फैसला, इसकी चर्चा आपकी संवाददाता ने भी किया, हाई कोर्ट ने कहीं रोका था कि सीबीआई आगे कार्रवाई न करे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट शुरू से कहता रहा है कि इसकी पूरी तह में जाने के लिए सारे दस्तावेज तो लाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई जबानी बातें नहीं सुनती, वो दस्तावेज देखती है।
जो दस्तावेज राजीव कुमार के पास थे यदि उसकी जांच पर पूछताछ के लिए जब गई तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में जैसा बताया गया है जब सुबह आएगा मुझे लगता है कि और ये टकराव सीधी सी बात है, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की बड़ी दावेदार हैं और इसलिए प्रतिपक्ष उनके साथ एक साथ खड़ा होता दिख रहा है और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि बीजेपी अपने ढंग से वहाँ पर अपना घेरा बनाने की तैयारी कर रही है कलकत्ता में या पूरे बंगाल में और उसका अपना पूरा भरोसा यह है कि हम वोट को वहाँ पर कैसे अपने आप कुछ छीन सकते हैं अपने बल पर और शक्ति परीक्षण बिल्कुल चुनाव के लिए ये युद्ध की स्थिति जैसी है। युद्ध जैसी स्थिति क्या गृह युद्ध जैसी स्थिति राज्य में भी है और विपक्ष का जो समर्थन ममता बनर्जी को मिल रहा है वो एक तरफ। हमारे साथ इस वक्त घनश्याम तिवारी जी भी मौजूद हैं। घनश्याम जी देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक ऐसा मामला चाहे शारदा चिटफंड घोटाला रोज वैली 15,000 करोड़ 3,000 करोड़ कुल मिला के 18,000 करोड़ का घोटाला उसकी जांच को लेकर मामला है। अखिलेश यादव भी समर्थन की बात कह रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन के कोई मायने यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के लिए है या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन तक ही बात सीमित है? लेकिन आज स्थिति ये है, मुझे याद है 2017 में एक अन्य चैनल पर टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को हटा दिया गया था, उसके दो दिन बाद उस चैनल पर सीबीआई की रेड हो जाती है। इसी साल जब गठबंधन से जुड़ी हुई बातें सामने आती हैं, ये मीडिया में खबरें आती हैं कि अखिलेश जी और मायावती जी मिले, उसके अगले दिन माइनिंग घोटाले का नाम देकर के सीबीआई हरकत में आ जाती है। ये सीबीआई है, कोई बजरंग दल नहीं है जो जैसे ही कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है वो एक्शन में आ जाए। लेकिन अगर ठीक है घनश्याम जी आपके पास से लौट रहे हैं, एक बार रुक करना पड़ेगा कोलकाता का, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अभी कुछ बात करने वाली है वहां पर। मनोज आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी क्या चल रहा है मंच पर? हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में समर्थक भी हैं, ममता बनर्जी भी अभी मंच पर खड़ी हो गई हैं। चलिए मीडिया भी यहाँ पर उनसे सवाल पूछने की कोशिश में कि क्या कोई षड्यंत्र है, कौन कौन उनके मंच पर पहुंचने वाला है, लेकिन ममता बनर्जी कड़ाके की ठंड में भी रात भर वहां पर मौजूद रही और एक बार फिर मंच पर अभी लौट आई हैं और आज विपक्ष के कई बड़े नेता भी वहां पर पहुंच सकते हैं। घनश्याम तिवारी जी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर विपक्ष खड़ा होना चाह रहा है, आशुतोष जी किस तरह से आप इस पूरे टकराव को इस वक्त देख रहे हैं? विपक्ष का आरोप एक तरफ लेकिन जांच होनी भी तो जरूरी है, कई तकनीकी पेच है इस मामले में। देखिए जांच के बहाने मोदी सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाती रही है, इस बात के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। सिर्फ जांच 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 तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप जांच करो, आपको 2019 में याद आ रही। तीन चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि आप कोई कोएर्सिव एक्शन किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर सीबीआई की टीम क्या कर रही थी, क्यों गई थी पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर? अगर गई थी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, उसी तरीके से जैसे आनंद तेलमुड़े के मसले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया गया था मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट से। पॉइंट नंबर टू जो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो भारत यूनियन ऑफ इंडिया है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिश्ता होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने आप को डिक्टेटर समझने लगे, अगर अपने आप को आलाकमान समझने लगे तो देश नहीं चल सकता है। अगर आपको वहां पर जाना था तो जो कानून कहता है कानून के मुताबिक आपको वहां की सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए, और अगर मान लीजिए आप नहीं लेना चाहते तो पुलिस कमिश्नर के पास जाने के पहले आपको लोकल कोर्ट से सर्च वारंट लेना चाहिए। आपने नहीं लिया, ये बात अब काफी हद तक सच है। तो तीसरी चीज यह है
कि आप इस तरीके से किसी पुलिस कमिश्नर के घर में नहीं घुस सकते हैं। अगर घुस सकते हैं तो पूरी की पूरी आप देख रही हो कि पुलिस कमिश्नर और सीबीआई चीफ के बीच में बाकायदा करस्पॉन्डेंस हैं, लेटर्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप मुझे आप जो प्रॉपर प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से आप मुझे मुझे मुझे, मुझे संपर्क करिए, आप इस तरीके से संबंध मुझे जारी नहीं कर सकते हैं, ये कानून का उल्लंघन है। और इसी बात को लेकर ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, जब वो ये कह रही हैं कि आखिर सर्च वारंट के साथ सीबीआई क्यों नहीं पहुंची और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों से जाहिर है। आपका स्वागत है, लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। इस वक्त हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता संजय शर्मा का। संजय, देखिए आज की बड़ी खबर ये भी है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी कि किस तरह से राज्य सरकार इस मामले में जांच को लेकर सहयोग नहीं कर रही है, क्या तैयारी है सीबीआई की? इस सर्द सुबह में सरकार और सीबीआई ही हरारत बढ़ा रहे हैं। जैसे ही 10:30 बजे अदालत बैठेगी चीफ जस्टिस की कोर्ट में, जैसा कि अभी तक अपडेट मिला है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले को मेंशन करेंगे और ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की के आदेश के बाद ही शारदा चिटफंड घोटाले में जांच इनिशिएटिव लिया गया था और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। राज्य सरकार बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही है, कॉपरेट करने के बजाय जांच में रोड़े अटका रही है और हमारे अधिकारियों की सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में लिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। लिहाजा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट साफ साफ निर्देश जारी करे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन तमाम चीज़ों पर बड़ी सुनवाई होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि जब ये मेंशनिंग होती है क्या कोर्ट उसी समय मामले को टेकअप करता है या फिर किसी अप्रोप्रिएट बेंच के सामने जाने को बोलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।